होरेरा फेस पे बैक फुट पे जाके डीप स्केयर लेग की तरफ खेला है, एक ही रन का इजाफा होगा। बुरहान बैटिंग पर आए, बहुत अच्छे बैट्समैन है जी। बैक फुट पे जाके डीप स्केयर लेग की तरफ खेल दिया दो रन, इतनी देर में दो रन ले लिए बुरहान ने। कप्तान फील्डिंग सेट करते हुए खान ने बैक फुट में जाके फाइन थर्ड मैन की तरफ खेल दिया, बुरहान दो रन लेना चाहते थे और एरा ने मना किया। होरेरा को आगे के चांस मिल चुका है, अब देखते हैं कि वो उस चांस का फायदा कितना उठाते हैं। बैक फुट पे जाके बॉलर की जानब खेल दिया, बाजवा क्रिकेट एकेडमी की बॉलिंग। ओ आज मैंने कहा था कि ब्रेक बहुत ज्यादा हो रहा है, और रहा फाइन लेग की तरफ खेलते हुए पीछे से बोल्ड होकर विलियन की तरफ जाने मेरा वहाँ दवा है। ये देखा जाए ये अंडर 19 फाटा से खेले हुए हैं जी होरेरा, आज आसफ मेमोरियल की तरफ से खेलने के लिए आए हुए हैं, और आज विकेट का जो बिहेव है वो टोटल स्पिनरों को आज बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा है। आगे इससे पहले वलीद भी आउट हुए हैं, उनको भी समझ नहीं आई, बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा है। चकशजाद की यही क्वालिटी है जी कि यहाँ पर बॉल जो है बहुत ज़्यादा ब्रेक होता है, और जो प्लेयर इस कंडीशंस में खेल जाते हैं वो चाहे इस्लामाबाद पिंडी में किसी भी ग्राउंड में हो, यहाँ पर वो 50 करेंगे, वहाँ पर उनका 100 होगा, वहाँ पर फ्लैट विकेट्स होती हैं और बॉल सीधा बैट पे आता है, यहाँ पर ब्रेक बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं होरेरा के आउट होने का मंजर, उनको उम्मीद नहीं थी कि इतना ब्रेक होगा बॉल। इससे पहले वलीद भी आउट हुए हैं, इस भाई का नाम क्या है जो बैट्समैन है, आसिफ आए हैं जी, आसिफ मेमोरियल, ये लेग ब्रेक बॉलर हैं जी, और आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ उनकी बैटिंग को, बॉलिंग बड़ी अच्छी करते हैं। होरेरा को अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं आउट होके बाहर आ चुका हूँ। ये चकशजाद क्रिकेट ग्राउंड का जी व्यू आप देख सकते हैं, ये साथ एक मैच हो रहा है, इसके साथ ये एक मैच हो रहा है, ये साथ एक ग्राउंड है। आसिफ आए बॉलर, ओ आसिफ भाई, मेरे ख्याल में ये कैच था या पैड पे लगी बॉल। अब सारी जिम्मेदारी जो है वो बुरहान के कंधों पर आ गई है। बुरहान के लिए लोकल ग्राउंड भी हैं जी, यहाँ पर बुरहान ने काफ़ी क्रिकेट खेली है बाकी क्रिकेटर की निस्बत।
सेट चेंज हो गई है। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह।